नोट का मतलब एक दूसरा पॉइंट जुड़ा होता है यार, कहीं फंसाने वाली बात तो फंसाने नहीं वाली है तो नहीं है। बिटकॉइन करेंसी को, क्रिप्टो करेंसी को आप माइन करने वाले हो, जिसके yes. अंदर आपका इथेरियम, कैस्पा, बिटकॉइन, ये जो कॉइन होते हैं ना, इनको हाँ माइन करने वाले हो। सर, ये लीगल है या इलीगल है? ये लीगल है, लीगल है भाई साहब, पहली सबसे बात बड़ी तो बात। ये। यस दूसरी पॉइंट, जो भी भैया और मैं कवर करने वाले इस वीडियो में वो बिल्कुल सत्य हो। जो क्रिप्टो करेंसीज होती है, बिटकॉइन, इथेरियम, रेवन, अर्गो, फ्लक्स, कैस्पा, लाइट जी कॉइन, डॉज कॉइन, बहुत सारे बहुत हजारों सारे में कॉइन है, तो इनको आप माइन भी कर सकते हो किसी हार्डवेयर के थ्रू। तो ये वो हार्डवेयर है यस जिनसे आप इन कॉइन को माइन कर सकते हो। ये वो मशीन है जो फ्यूचर में पैसे देती ही रहेगी, फ्यूचर में बढ़ेगा रिटर्न। इसको लगाने के लिए हाँ कितनी एजुकेशन होनी चाहिए? यार देखो, इसमें एजुकेशन कोई काम नहीं, इसमें कोई नोट नहीं लगा दे तो जी, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं देना नहीं आपको, देना बिल्कुल भी नहीं देना। के लिए इसको दो चीज़ चाहिए इस जी मशीन को चलाने के लिए, जी पहली बिजली, दूसरा इंटरनेट। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही जागरूकता वाली वीडियो है, धन कमाने वाली वीडियो है, और सबसे बड़ी बात भाई साहब, आपको हार्ड वर्क करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है। और आज मैं हूँ स्मार्ट मैन आदित्य के साथ। आदित्य सर, आप अपना परिचय दीजिए और सर बताइए सर, हम कौन सा आज स्मार्ट वर्क करने वाले हैं? बिल्कुल, यहाँ पर आज हम नोट छापने वाली मशीनों के ऊपर बात करने वाले हैं। जी और मैं आपको बता दूँ, मैं सच बता रहा हूँ, ये नोट छापती है, ऐसा नहीं कोई हवा में बात कर नोट रहे हैं छापती है भाई, कोई। तो नोट छापती है। हाँ, नोट का मतलब एक दूसरा पॉइंट जुड़ा होता है यार, कहीं फंसाने वाली बात तो फंसाने नहीं है। वाली तो नहीं है, हाँ वो दो कहते नंबर का हैं काम नहीं है दो नंबर काम तो नहीं जी। भाई। देखो, लीगल काम है, बिटकॉइन करेंसी को, क्रिप्टो करेंसी को आप माइन करने वाले हो, जिसके अंदर यस आपका इथेरियम, कैस्पा, बिटकॉइन, ये जो कॉइन होते हैं ना, हाँ इनको जी माइन करने वाले हो, बनाने वाले हो, और वो कॉइन मिलेंगे, आप सेल करके पैसे बना सकते सर। हो। दूसरी बात मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, हमारी जो वीडियो है और हमारा जो बिजनेस जो हम आज बताने जा रहे हैं, प्रमोट करने जा रहे हैं सर, ये लीगल है या इलीगल है? ये लीगल है, लीगल है भाई साहब, पहली सबसे बात बड़ी तो बात। ये। यस दूसरी पॉइंट, जो भी भैया और मैं कवर करने वाले इस वीडियो में वो बिल्कुल सत्य होगा, कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं, कोई गलत नहीं, कुछ भी नहीं, जो सच्चाई है वही आपको बताने वाले हैं। ये जो बिल्कुल क्रिप्टो करेंसीज होती है, जी बिटकॉइन, इथेरियम, रेवन, अर्गो, फ्लक्स, कैस्पा, जी लाइट कॉइन, डॉज कॉइन, बहुत सारे बहुत हजारों सारे में कॉइन है, तो इनको आप माइन भी कर सकते हो किसी हार्डवेयर के थ्रू। तो ये वो हार्डवेयर है यस जिनसे आप इन कॉइन को माइन कर सकते हो। जी माइन में होता क्या है कि जी जो भी आप क्रिप्टो करेंसी किसी को ट्रांसफर करते हो, उसकी जो कैलकुलेशन होती है, उस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हार्डवेयर करता है उसको जी सॉल्व, जी और बदले में जिस कॉइन को सॉल्व करता है कैलकुलेशन, वही कॉइन बदले में मिलता है, मिल जाता अब है। अलग अलग कॉइन के लिए अलग अलग माइनर आते हैं। जी तो यहाँ पर हमने जो दोनों माइनर रख रखे हैं वो बिटकॉइन के रख रखे हैं। बिटकॉइन के क्यों रख रखे हैं? क्योंकि परसेंटेज वाइज रिटर्न सबसे ज़्यादा इसके अंदर है, फ्यूचर प्रूफ है ये, और पैसे देना और देते रहना, ये वो मशीन है जो फ्यूचर में पैसे देती ही रहेगी, फ्यूचर में बढ़ेगा रिटर्न, कम होने के चांस कम है, बढ़ने के चांस ज्यादा मतलब है। ये फ्यूचरिस्ट मशीन है, बिल्कुल आपको सबसे देगी बेस्ट है। भैया धन कमा करके, नोट कमा करके, आपको सिर्फ एक बार पैसा लगाना तो है। डिटेल मैंने थोड़ा बता दिया क्या है यस इसे। यस हाँ यस अब और सर एक चीज और सर, ये बताओ मुझे हाँ कि सर इसको लगाने के लिए हाँ कितनी एजुकेशन होनी चाहिए? यार देखो, इसमें एजुकेशन कोई काम नहीं, इसमें कोई नोट का नहीं काम है। बिल्कुल ना, बिल्कुल। और कम से कम कितना टाइम देना है इसमें? क्या पार्ट टाइम बिजनेस कर सकता है इस मशीन को लगा के? देखो, पहली बात तो ये कि पार्ट टाइम कर सकते हो जी, फायदे बहुत है, कुछ डिसएडवांटेज भी, वो मैं आपको बताऊंगा। जी प्लस पॉइंट बता दे तो इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं देना आपको, नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं देना। जी आप एक लगा के छोड़ दो, एक मिनट जाओ मत जी, कुछ नहीं होगा आपकी मशीन को। जी 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 ये है, होता क्या है बेसिकली, इसको दो चीज़ चाहिए इस मशीन को चलाने के लिए, जी पहली बिजली, दूसरा इंटरनेट। दोनों के ऊपर थोड़ा डिटेल बात कर लेते हैं, इंटरनेट के ऊपर बात कर लेते हैं। आई थिंक बिजली के बाद इंटरनेट अच्छे समझ में आएगा लोगों को, बिल्कुल। तो बिजली के बारे में बताता हूँ जी, ये बिजली बहुत ज़्यादा लेती है मशीन, तो आपकी बिजली फ्री होनी चाहिए, फ्री। अब चाहे वो 12 की बिजली हो, या गांव में रहते हो तो गांव में फ्री बिजली मिल जाती है, सोलर की बिजली है, कोई गवर्नमेंट में काम करता है तो वहां से फ्री बिजली मिल जाती है, तो अगर इस तरह का बिजली का इंतजाम है तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसके अलावा कहीं बिजली बहुत सस्ती होता है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, यहाँ पर 2 रुपये 2.5 रुपये यूनिट होते हैं, तो वहां पर भी आपको प्लस ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा। बिजली मिलने आपके फ्री ही होनी चाहिए, तभी तो ज्यादा अच्छा है। अब बात कर लेते हैं इंटरनेट की। अब एक्चुअली होता है जहाँ बिजली फ्री होती है, गाँव
12 और कहीं वैसे गांव देहात का एरिया, वहां पर वाईफाई की सुविधा नहीं होती, यहां पर वाईफाई ही लगने वाला है, फोन का इंटरनेट काम नहीं करेगा नहीं। तो उसके लिए आपको सिम राउटर लेना पड़ेगा, उसमें लैन केबल लगा के यहां से कनेक्ट कर सकते हो, सिम लग जाए तो आप यूज कर सकते हो जी बिल्कुल। तो सर ये बताइए सर बिजली का कनेक्शन कहां से होगा और सर इसमें इंटरनेट का कहां से होगा, सर एक बार मशीन का दिखा दो, कैमरामैन थोड़ा सा पास आ जाओ, पास आइए, यहां पर लगते इसके लैन केबल, यहां से लैन केबल लगा के इंटरनेट मिल जाएगा। यहां पर मिलता है आपको 2 सॉकेट और 1600 एम्पीयर के पावर केबल यहां पर लग जाएगा, और ये दोनों केबल आपको बिजली के सॉकेट में लगा देना, आपका माइनर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको बटन देखने को नहीं मिलता, सीधे वहीं से जैसे ऑन करोगे माइनर ऑन हो जाएगा, लाइट चली जाएगी तो बंद हो जाएगा, लाइट आएगी तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके 4 फैन मिलते हैं और चारों फैन 6000 RPM के है, थोड़े से आवाज ज्यादा करते हैं चारों फैन, बट इसको ठंडा रखते हैं, अलग से एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ पर 2 फैन फ्रंट की साइड मिल जाते हैं जो इनटेक है, हवा खींचते हैं, बैक की साइड भी यहाँ पर आपको ये देखो, बैक की साइड भी यहाँ पर 2 फैन है, ये हवा बाहर निकालते हैं, तो टोटल इसके अंदर 4 फैन देखने को मिलते हैं इस मशीन के अंदर। मशीन का वेट भी काफी भारी है, 18 किलो की मशीन है ये, और ऑब्वियसली ऐसा नहीं है इसके अंदर कुछ भी नहीं, इसके अंदर चिप्स रहते हैं छोटी छोटी, हैवी हार्डवेयर रहता है जी, तो वो परफॉर्म करते हैं आप कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए जी, जी। तो सर अब ये बता दीजिए सर ये मशीन हमारी कितने की है और कितने पैसे कमा दे सकती है, और सर और ज्यादा पैसे और कमाना चाहे तो कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। हाँ, और वारंटी क्या है वो भी मैं साथ ही बिल्कुल सब कुछ बताना है सर। चलिए बात कर लेते हैं जहाँ पर स्टार्टिंग आपकी कहाँ से होती है, यह है बिटमैन का S9090TH, इसका प्राइस है 85,000 रुपीज। रिटर्न की अगर बात की जाए तो इसके अंदर 10,000 से 12,000 रुपए का रिटर्न है, हर महीने आएंगे आप, हर महीने इतना पैसा आएगा और आता ही रहेगा, ऐसा नहीं कम हो जाएगा, आता ही रहेगा, आगे हो सकता है बढ़ सकता है, क्योंकि बिटकॉइन अगर आप ग्राफ देखोगे बढ़ता ही है, तो यहाँ पर रिटर्न भी बढ़ेगा, क्या बात, तो है वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो सर कीमत बताई कितने आपने, 85,000 रुपए की, जो कि 10 से 12,000 पर मंथ कमा के देगी, पर मंथ देगा। हाँ जी, मैं बताऊं तो 6 महीने पहले जिन जिनको माइनर बेचे हैं सबके पैसे पूरे हो गए, पैसे पूरे हो गए। 6 महीने में होता है क्या, बिटकॉइन प्राइस बढ़ जाते हैं, तो जितना आपने बिटकॉइन बनाया वो महंगे में जाता है। सर आपने वही बात कह दी सर, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ सर आज बिटकॉइन की सर कीमत कितनी है, मेरे भाइयों को बताओ सर। एक बिटकॉइन, एक जो बिटकॉइन है ना, एक उसकी कीमत 50 लाख रुपए है। और सर मैं 50 लाख सर कैसे कमाऊंगा इन मशीनों से, मुझे वही भी आइडिया दे दीजिए। एक मशीन से तो इतना बड़ा अमाउंट नहीं कमा सकते, नहीं कमा सकते, सच है। अगर आप 10 लाख रुपए लगा लो हाँ, तो मोटा मोटा आप 2.5 साल में एक बिटकॉइन माइन कर लोगे, 2.5 साल में 10 लाख इन्वेस्टमेंट करके आप 50 लाख 2.5 साल में कमा सकते हो, बिल्कुल। तो ये तो थी मशीन नंबर एक, अब ये नंबर दो सर। बिटकॉइन एक टाइम पे ज्यादा पुराने नहीं, सर लॉकडाउन की बात कर लेते हैं, हाँ जी, 12 लाख का था, 50 लाख ओहो। उससे पहले चले जाओगे 2019 आई थिंक लॉकडाउन से 1.5 साल और पीछे जी, जी, तो जी, 2-3 लाख का था, बिल्कुल बिल्कुल, 2-3 लाख से 10 गया, 10 से 50 आ गया, बिल्कुल। और हो सकता है 50 से 70-80 नियर अबाउट 1 करोड़ भी चला जाए, बिल्कुल चला जाए। ये वो कॉइन है जो सबसे बड़ा कॉइन है बिटकॉइन, जी जी, सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन आउट ऑफ द इंडिया सबसे ज्यादा बिटकॉइन से ही होता है, ट्रस्टेबल भी है, ट्रस्टेबल भी बिल्कुल। यार पैसा डालो तो एक ऐसे घोड़े पर डालो जो कई सालों से अपने को प्रूफ कर रहा है, उसको डालो, बाकी जो कॉइन के माइनर होते हैं कैस्पा लाइट कॉइन डॉज कॉइन उनका थोड़ा रिस्की कॉइन है, कैस्पा कॉइन को तो आई हुए 1.5 साल हुआ है जी। और ये 15 साल, तो 15 साल वाले पैसा डालो जी, ना? जी, 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 जी। और दोस्तों एक बात और बता दूं मैं आपको कि आपने जो इन्वेस्टमेंट पैसा कर रखा है आप वो ही लगाएं, आप कृपया लोन ना लें, आप अपनी गोल्ड ज्वेलरी वगैरह ना बेचें, मत बेचो, आप साइड बिजनेस कीजिए यार, बिल्कुल। कुछ लोग कहेंगे यार क्यों ना बेचे, क्या दिक्कत है, बहुत कम हाँ। ऐसा नहीं है, लोग लेके गए हैं, लॉस नहीं हुआ है उनको, बट जितना प्रॉफिट होना चाहिए था उतना नहीं बना पाए, बिल्कुल। एक शॉर्ट में आपको बताऊं, बिटकॉइन डेली 2-3 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऊपर नीचे होता रहता है, बिल्कुल डेली डेली डेली। अब जैसे बिटकॉइन जब महंगे देखोगे तभी पैसे ज्यादा मिलेंगे, पैसे ज्यादा मिलेंगे। अगर बिटकॉइन 10-15 लाख नीचे हो गया जी, तब आपको क्योंकि EMI जानी है तो आपको अपना माल सस्ते में काटना पड़ेगा, सस्ते में काटना पड़ेगा आपको, नुकसान। इसलिए हम चाहते हैं कि आप कोई भी लोन या उधार ना लें, आपका हाँ। जो इन्वेस्टमेंट उससे आप काम करें, जिसके अपने पैसे लगे हुए वो तो रुक जाएगा ना जी, बिल्कुल। जब प्राइस सही आ जाता है देखूंगा मैं, बिल्कुल। आपको महंगे देखना है। और सर दूसरी बात सर, आपने सर इस मशीन का फायदा बताया, इसका बताया, और भी बताया, हम 10-20 मशीन और लेना चाहें बाय द वे, ज्यादा अमाउंट कमाना चाहें, तो सर हम उससे जो माइनिंग करेंगे, कमाएंगे, अर्न करेंगे, उसको सेल कहां करेंगे सर? हमारे पास, आपके पास 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जो भी, बिल्कुल, 50,000 हो, 1 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, इवन 50 लाख या 1 करोड़ हो, हमारे पास आओ, देख दो भाई साहब, कैश ले जाओ,
यूपीआई ले जाओ, बैंक ट्रांसफर ले जाओ, जिसमें आप कंपेटेबल हो, वो सारा काम हो जाएगा हमारे पास। ये मशीन भी बिटकॉइन को ही पे करके आते, चाइना में बिटकॉइन से ही खरीदी जाती है मशीन। तो बिटकॉइन तो वैसे भी चाहिए हमें, बिल्कुल चाहिए। और अगर कोई ट्रेडर है तो वो लोग जानते होंगे यूएसडीटी का क्या काम होता है, कैसे ये होता है, तो आप समझ गए होंगे बिल्कुल। और दोस्तों मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो वीडियो है ये अवेयरनेस के लिए है और आपको ज्ञान देने के लिए है और पैसा कमाने के लिए, क्योंकि भाई साहब इस लाइन की जो अवेयरनेस है लोगों में बहुत कम है और आपके पास स्कोप बहुत ज़्यादा है। और आफ्टर पेंडामिक कोरोना के बाद धंधे रोजगार खत्म हो चुके हैं, तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम आपको अवेयरनेस भी दें, रोजगार भी दें और आपको सही शिक्षा भी दें, ज्ञान भी दें, आपको बताएं एक एक बात। तो आदित्य सर इस मशीन के बारे में बताया, बिल्कुल इस मशीन के बारे में बता दें, इस मशीन के बारे में बताने वालों, बट फिर कहूंगा गाइज जो भी हम बता रहे हैं बिल्कुल सच चीज बता रहे, कोई बड़ा चढ़ा के नहीं, कोई ऐसा नहीं कि ये देगी 5,000 हम बता रहे 10,000, जो एक्चुअल रिटर्न है वही हम बता रहे हैं। आप इन मशीन का मॉडल नंबर डाल के गूगल पे पूरे डिटेल भी ले सकते हो, बिल्कुल जो रिटर्न हमने इस वीडियो में बताया वो मैच करेगा बिल्कुल बिल्कुल सच बात। क्या होता है सच कह के बेको माल को, कल को आके आके ये नहीं बोल सकता बंदा कि भैया आपने अपना फायदा देखा, अपने फायदे के लिए मशीन बेची है, बिल्कुल सर मुझे तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। और अगर कोई लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं है ना, 15-20 दिन 10 दिन हुए वापिस ले लो कोई दिक्कत नहीं, 10-15% जबकि 10% तो वैसे कमा लेगा महीने का वो, बिल्कुल सच बात। तो तरह से लॉस है ही नहीं उसके लिए, लेकिन नहीं चाहते कि किसी को लॉस हो। हाँ हम नहीं चाहते बिल्कुल। एक्चुअली एक सेलर का 10% का तो मार्जिन होता है, 10% नीचे ले ली बात तो वही आ गई उसकी खरीद हुई। अब बात कर लेते हैं ये मशीन, अगर किसी का बजट ज्यादा है तो इसको ले सकता है, प्लस बिजली थोड़ी कम लेता है। अच्छा इसकी अगर बिजली की बात की जाए ये लेता है 2000 यूनिट 90 टेरा। इसकी बात कर लेते हैं ये है बिटमैन का S90K Pro 120 TH टेरा हैश एंड इसका रिटर्न है 18,000 से 20,000 रुपये, प्राइस इसका 1,70,000 रुपये एंड 18,000 को रिटर्न दे देती है। यूनिट की अगर बात की जाए तो 1500 यूनिट, इससे थोड़ा कम लेते हैं, 1500 यूनिट इसका कंजप्शन है, किलो वाट में अगर बात की जाए तो इसका है 3.2 किलो वाट, इसका है 2.7 किलो वाट, तो इसका इनका कंजप्शन है। एंड एक साल की वारंटी आती है, एक साल में आपका माइनर कुछ भी दिक्कत आएगी हम लोग फ्री में करके देंगे। जैसे मैं बातें कर रहा हूँ ना वैसे सर्विस भी है हमारी, ऐसा नहीं यार बोल में इतना प्यार से रहो माल बेच दिया उसके बाद कह रहा भैया मैं नहीं जानता कौन, ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ कस्टमर को भगवान माना जाता है और हम कहते हैं भगवान का भी रूठना नहीं चाहिए हमसे, बिल्कुल नहीं रूठना चाहिए। ये आप जो भी मैं एक्चुअल बता रहा हूँ वो सच है और एक साल की वारंटी फ्री में ठीक होगा, उसके बाद वो चार्जेबल रहेगा। 2,000 से लेकर 8,000 खर्चा आ सकता है एक साल के बाद, डिपेंड करता है क्या खराब हुआ है। और ये खराब होती नहीं है, मैं एक सेफर साइड बता रहा हूँ आपको, अगर खराब हो जाती है तो अगर खराब के पूछोगे तो 2-3% है एक साल या 2 साल के अंदर। जी जी, तो एक साल की वारंटी है ही। हाँ। एक साल के बाद छोटे छोटे मोटे जब पंखा खराब हो गया, छोटा मोटा कोई चिप खराब हो गई, उसी से दिक्कत आ सकती है, हैंड करके दे देते हैं क्योंकि कमाई नहीं रुकनी चाहिए भैया, बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। प्लस पॉइंट और बता देते, अगर थोड़ा सा डीप में बात की जाए, कोई अगर इसके अंदर ऐसा पार्ट है वारंटी के अंदर जो काफी कीमती और ऐसा खराब हुआ है कि उसमें टाइम लगेगा महीना डेढ़ महीना चाइना भेजना पड़ रहा है, तो उस केस में क्या होता है चाइना का मतलब है 1.5-2 महीना आपके उस पार्ट को अंदर कोई पार्ट चाइना भेज के सही करवा के मंगवाना है तो 1.5-2 महीने लग रहे हैं, तो उस केस में आपकी कमाई ना रुके हम अपना हैश बोर्ड अपनी पावर सप्लाई दे देते हैं, आप हमारे पार्ट के साथ अपनी माइनिंग कंटिन्यू करिए ताकि आपको लॉस ना हो। एड्रेस की मैं बात कर लेता हूँ, बहुत सिंपल सा एड्रेस है, ग्रेटर नोएडा सेक्टर 36 F218 ग्रेटर नोएडा, ये शहर दिल्ली के पास पड़ता है। और हमारे पास EMI का भी ऑप्शन है, EMI पे भी आप ले सकते हो, कहीं दूर रहते हो बहुत ज़्यादा दूर तो वो लोग कैश ऑन डिलीवरी पे भी ले सकते हैं, ये माइनर ले सकते हैं। हाँ, और अगर दिल्ली NCR के आसपास रह सकते हो, दिल्ली आ सकते हो जी जी। तो ये मशीन हमारे पास रेडी स्टॉक मिल जाएगी। अच्छा। आप हमारे पास आओ, आपके सामने सील पैक माइनर खोलेंगे, चलाएंगे, माइनिंग करके दिखाएंगे, जब संतुष्ट हो जाओगे कि हाँ भाई पैसा बना रहा है तब आप पेमेंट करके ले जा सकते हो, एक साल की वारंटी रहेगी, सपोर्ट चाहूंगा पैसे को पैसा समझो, अच्छी जगह लगाओ, ऐसी बात नहीं है। 100 लोग आते हैं ना, देखो रोजी पे हाथ रख के कह रहा हूँ, 100 लोग आते हैं तो 10 लोगों का नुकसान भी हो जाता है इस माइनिंग के ऊपर, होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ आप 90 में रहो, 90 में रहो, उन 10 लोगों को बता दे तो भाई देखो आप इसके लिए नहीं आ सकते, इसमें आपको फायदा नहीं होगा। मैं क्लियर कट बता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूँ मेरे से जो आदमी जुड़े ना चिपक जाए, मैं छुटाने को तब ना छूटे, मैं चाहता हूँ ऐसा रहे। और ये होगा तब जब आपको ट्रस्ट होगा और आपको होगा बेनिफिट, आपको लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों अब आप कमेंट कीजिए आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, और दूसरी बात आदित्य सर और मुझे इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय।